धीरेंद्र नमस्ते, कैमरा ऑन करो अपना। धीरेंद्र एक और मतलब आपको ना थर्ड सेमेस्टर का काम करना है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर जो तुम्हारा है ना, कि सेकेंड सेमेस्टर की भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो आपको थर्ड सेमेस्टर सेमेस्टर का जो काम है, सिमिलरली अप्लाइड में देखो हमारे पास वही चीज़ें हैं कि हम कैंपेन का ही काम करते हैं, कैंपेन का ही बनाते हैं। तो क्या, हाँ वही तो चेक करना है थर्ड सेमेस्टर का। मैं एक मिनट सिलेबस दिखा देता हूँ, एक मिनट जरा वेट करो, मेरे पास होगा, मैं भेज भी दूंगा। इसमें तुम्हारी थर्ड सेमेस्टर के अंदर तुम्हारी प्रैक्टिकल, एक तो तुम्हारी ये विजुलाइजेशन का क्लास रहेगा आपका, और शायद हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारी हिस्ट्री ऐड हो जाएगी। हिस्ट्री हिस्ट्री तो तुम्हारी चलती है सर, सर से हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम सर, करा रहे हैं हिस्ट्री। तो सर वो थर्ड सेमेस्टर का ही करा रहे हो ना, थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में। हाँ तो हिस्ट्री तुम्हारी चलेगी थर्ड सेमेस्टर में। और बाकी विजुलाइजेशन का तो रहेगा सब्जेक्ट, तो विजुलाइजेशन क्या है तुम्हारा, देखो 100 नंबर का स्कोरिंग सब्जेक्ट है विजुलाइजेशन। और क्योंकि पिछले सेमेस्टर में भी तुम लोगों का परफॉर्मेंस देखो अच्छा नहीं है, मतलब जो रिपोर्ट रिपोर्ट बनाया हो मतलब डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ बच्चे तो देखो आखिरी में जो लेके आए हैं, जैसे धीरेंद्र तुमने भी जो काम करा है कैंपेनिंग का उतना निकल कर नहीं आया है, ठीक है। तो जैसे भी तुम्हें रहेगी थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि देखो MFA खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको मिलेगा क्या, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा हाँ, वही वही मैं बता रहा हूँ। एक एक काम करो, एटलीस्ट अभी एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर लो, क्योंकि ये देखो क्लैरिटी अभी नहीं है कि थर्ड सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर काम अगर मांग लिया गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी ना हो, ठीक है। और नहीं हुआ तो तुम ऐसा कर लेना, उस कैंपेन को, एक कैंपेन को यूज कर लेना, एक अपनी नई बना लो, नहीं तो तुम ऑलरेडी ये बना ही रहे हो सेकेंड सेमेस्टर। हाँ हाँ तो सेकेंड ईयर, जैसे जैसे सेकेंड सेमेस्टर का जो काम है, देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थोड़ा तो हम फर्क करेंगे, थोड़ा तो रिसर्च बढ़ाएंगे उसमें, एक कैंपेनिंग काम तो वही करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक काम तुमको निकालना है उधर से, ठीक है। तो अगर हो सकता है कॉलेज खुल गए, अगर मतलब इस मंथ के लास्ट तक खुल गए तो वेल एंड गुड है, तो लैपटॉप तुम लोग लेके अपना अपना आओगे, नहीं तो अगर रहेगा तो बीच में मैं, अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है तो सॉफ्टवेयर के लिए मैं कोशिश करूंगा लैपटॉप से फ़ोन कनेक्ट करके, तो मैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के जो डिज़ाइन के टूल्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे इन डिज़ाइन के बारे में, अगर कुछ कैसे लोगो बनाते हैं, ठीक है, उसमें कैसे शेडो डालते हैं। तो तुम लोग किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हो दोनों अलग अभी फिलहाल में, कोरल पे और तुम धीरेंद्र? अब मैं देखो ये दो चीज़ मैं तुम लोगों को बार बार बोलूँगा, एक डिज़ाइन को अपडेट करो सेकेंड सेकेंड ईयर में, एटलीस्ट एक इलस्ट्रेटर तो कम से कम सीख लो। इलस्ट्रेटर तुम हाँ कोरल, मैं इसलिए करूँगा क्योंकि देखो अगर फ्यूचर में कोरल तो देखो रहेगा ही रहेगा, कोरल को मैं बुरा नहीं बोला, कोरल सारे काम आते हैं, बट तुमको थोड़ा सा अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि जितने अच्छी एजेंसीज हैं, जितने अच्छे डिज़ाइन हाउसेज हैं,
जितने हैं, तो वहां पर आप मान के चलो उन्होंने इलस्ट्रेटर दे दिया तो मुझे जॉब भी मिल गया, उन्होंने इलस्ट्रेटर दे दिया तो वहां पर किसी को बोलोगे नहीं कि मुझे कोरल आता है, इलस्ट्रेटर नहीं आता है, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी तुम्हारे यहाँ से। सृष्टि एक काम करो, देखो कि कहीं से अगर अरेंज हो जाए तुम्हारे पास, अगर सॉफ्टवेयर किसी इलस्ट्रेटर अरेंज हो जाए, इलस्ट्रेटर अगर मैं फिर ऐसा करूँगा कनेक्ट करके तुम्हें को फ़ोन पे ही कनेक्ट कर लूँगा, लैपटॉप से कनेक्ट कर लूँगा क्लास, और वहीं पे थोड़ा सा ना कुछ बैनर वैनर डिज़ाइन करना है कैसे करना है तो वो चीज़ें तुम्हें दिखा दूंगा, तो तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी किस टाइप के काम की। मैं तुम्हारे लोगों के लिए वो भी था, पोर्टफोलियो एक लेके आया हूँ, थोड़ा सा देख लो कैसे डिज़ाइन रहते हैं, किसी का वर्क है तो तुम्हें थोड़ा रेफरेंस के लिए दिखाना है। ठीक है, तो मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट करना फिर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे धीरेन्द्र और सृष्टि। तो जैसे जैसे क्या है कि ना थोड़े देखो मतलब ये एक तरह से किसी स्टूडेंट ने अपने वर्क को कंपाइल करा है, जो वही ब्रांडिंग का जो सारा काम होता है, तो ये तुम दो तरीके से समझ सकती हो। एक तो ये समझ सकती हो कि जब तुम अपनी रिपोर्ट बनाती हो, या तुम कोई देखो तुम डिज़ाइनर हो तो डिज़ाइनर रिपोर्ट में ना वो सेंस ऑफ टाइपोग्राफी और डिज़ाइन का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा जो फॉन्ट का सिलेक्शन है और तुम्हारा जो विजुअल का सिलेक्शन है और साइज कितने मैटर करते हैं, तो इसमें वही चीज़ मैं तुम्हें क्लियर करूंगा। तो इसको तुम दोनों जगह अपनी जो रिपोर्ट को डिज़ाइन करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को के लिए, और अपने अगर फ्यूचर में अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हो तो उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब किसी स्टूडेंट ने अपने आप को एक्सप्लेन करा है कि भाई अपने अपने बारे में बताया है फ्रेंड में, वैसे ही तुम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो कि जो तुमने प्रोडक्ट बनाया है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, या तुमने जो सोशल कैंपेन दी है। तो थोड़ा सा यहाँ साइज थोड़ा छोटा कर दिया है, बट कोशिश मतलब जितना जब हम डिज़ाइन को एक होता है ना कि मतलब थोड़ा सा अपडेट करते हैं या थोड़ा कॉन्सेप्चुअल करते हैं, तो वहाँ पर ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा बोल्ड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सूदिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि अब उसमें पूरा सारा उसने एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद जो भी अपना जैसे तो सर कॉलेज का कुछ काम लगाया हुआ है कि जो डिस्प्ले है वो पूरा एकेडमिक वर्क में, तो पूरा उसको फिर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसकी कैंपेन भी मैं दिखाऊंगा कैसे इसने स्टूडेंट ने बनाई है वर्क। ये देखो प्रेस एड अगर हम देखें तो थोड़ा है, थोड़ा सा डल है, लेकिन कहीं ना कहीं विजुअल क्लियर है, और जो जो क्या बोलते हैं उसका हेडिंग में क्लियरिटी है। डिज़ाइन थोड़ा सूदिंग लग रहा है, थोड़ा क्लासी बनाने की कोशिश कर रही है, और हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने जो थ्योरी पढ़ी थी ना, तो याद है तुम्हें सृष्टि, जो हमने क्रिएटिव ब्रीफ के बारे में पढ़ाया था स्टार्टिंग में थ्योरी में, तो क्या होता है ना कि जब जैसे तुम अपना अगर वर्क बना रहे हो ना, तो वहाँ पर इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली यूज़ भी करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने जो चीज़ें पढ़ ली हैं उनका यूज़ नहीं है। क्रिएटिव ब्रीफ क्या होता है, तो मतलब वही होता है कि ब्रीफिंग करते हैं हम अपने ऐड के बारे में या हम कैंपेन के बारे में, तो बैकग्राउंड हमारा क्या रहेगा, ठीक है उसका हमने क्यों बनाया है, एम क्या रहेगा, और इसके बाद उसकी स्टाइल, उसकी टोन, मीडिया किस मीडिया के लिए हम बना रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। कॉन्सेप्ट भी लिखना पड़ता है, जैसे MFA में तुम जो भी अब मास्टर्स में जो जो भी काम कर रही होगी, तो तुम्हें उसके बारे में पूरा एकदम थोड़ा सा एक होता है ना कि एक तो हर वर्क की रिपोर्ट होनी चाहिए, कि अगर कैंपेन भी बना रही हो तो कैंपेन रिपोर्ट, डेजर्टेशन लिख रही हो तो डेजर्टेशन का पूरा रिटर्न में आप उसका सिनॉप्सिस करके देते हो। ठीक है, और अगर आप कोई मान के चलो शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हो, तो शॉर्ट फिल्म में भी कई बार हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इसको स्टोरी बोर्ड बोलते हैं, तो वो पूरा मेंशन कर, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हमें करनी पड़ती हैं। तो ये देखो सीरीज का ऐड है, तो तुम कहीं ना कहीं देखो कि दोनों तीनों ऐड काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, पहला ऐड देखो, दूसरा ऐड और तीसरा ऐड सेम फॉन्ट यूज़ करा गया है, और जो स्टाइल ऑफ इलस्ट्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से सिमिलर है, इलस्ट्रेशन का स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट सिमिलर है बट बैकग्राउंड कलर अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, और लोगो लोगो का प्लेसमेंट तीनों भी तीनों ऐड में सिमिलर है, सेंटर लाइन फॉन्ट के नीचे है, तो एक 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 पॉइंट का साइज सब जगह सेम रखा गया है। तो
कैंपेन का मतलब यही होता है कि मतलब जो आप अपनी जो जो भी जब कैंपेन को बना के दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं कोशिश करो कि उसमें सिमिलैरिटी भी है और वो डिससिमिलर भी है, सिमिलैरिटी भी है और वो डिससिमिलर भी है। फिर अपना दूसरा अगर कैंपेन अगर एक्सप्लेन कर रहे हो ठीक है, तो उसमें भी आप देखोगे ना पूरा अपने जो डिज़ाइन को एक्सप्लेन किया हुआ है, ये बैग के ऊपर है कि बैग जो बैग होता है इसकी 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 स्ट्रेंथ को दिखाया जा रहा है, तो उसके मतलब स्पेस को दिखाया जा रहा है कि इतना बड़ा हम बैग ऑफर कर रहे हैं आपको कि इसमें एलिफेंट भी फिट हो जाता है। तो एक एक तरह से जो प्राइम है बैग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कॉन्सेप्चुअल तरीके से उसको दिखाने की कोशिश करी है, उसको ही प्रेस एड में यूज़ कराया इलस्ट्रेशन को। यहाँ पर अगेन उसकी बैक कोई कॉन्सेप्ट देखो, इतना उसमें ना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली दिखाने की कोशिश करी है कि भाई इतना स्ट्रांग है कि कोई अगर उसमें हमारा एनिमल बड़ा एनिमल भी उसको हाथ रखता है तो उसको कुछ नहीं होता, तो वो चीज़ है क्लैरिटी है। अगेन लुकिंग फॉर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब ज़्यादा चलेगा या जल्दी ख़राब नहीं होगा, स्क्रैच नहीं आएंगे, तो उस चीज़ को कॉन्सेप्ट दिखा देखा जाए तो मेरी तरफ से इसमें भी थोड़े से करेक्शन और हो सकते थे, जैसे ऊपर का एरिया काफ़ी खाली है, लोगो विजिबल नहीं है, तो थोड़ा बट कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये अगेन फिर प्रेस एड आ गया जो कि इसके फर्स्ट क्राई के ऊपर बना हुआ है, ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है कि जो छोटे बच्चों के लिए जो ड्रेसेस आती हैं या कपड़े आते हैं तो वो कैसे उनके कलेक्शन के ऊपर है कि वो मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए, कि मतलब कंफर्ट को दिखाने की कोशिश करिए कि बच्चों को लेके, तो जब हम उनको लेके काम करेंगे किड्स को तो कहीं ना कहीं यही हमारे पास ऑप्शन है कंफर्ट को लेके दिखाया हुआ है। और पूरी सीरीज कहीं ना कहीं देखो कितने सॉफ्ट कलर यूज़ करे हैं, बैकग्राउंड कितना डल है, लाइट ब्लू यूज़ करा है, तो उससे ना एक मतलब कुछ भी ऐसा नहीं भड़कता हुआ नहीं दिख रहा है कि अभी ऐसा नहीं यहाँ पर उठा के एकदम डार्क रेड डाल दिया या बहुत ज़्यादा कोई डार्क कलर डाल दिया, तो उससे वो फिर कहीं ना कहीं इसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डिज़ाइन। यूनिटी मतलब होता है कि सारे एलिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को जिससे वो ऑड ना लगे। ठीक, समझ में आ रहा है दोनों को? हाँ, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कौन हाँ तो एमएफए में देखो अगर फाइनल ईयर में कहीं ना कहीं तुम लोग आ गए हो थर्ड सेमेस्टर के काम करोगे तो वो बीएफए वाला काम नहीं दिखना चाहिए। ठीक है कि आप उस लेवल से आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है कि बस हाँ नहीं, धीरेन्द्र तुम तो उसमें हो ना, तुम तो फर्स्ट ईयर में ही थे ना पिछली बार। अच्छा तुम अच्छा वही है, जब क्लास में नहीं आओगे तो सर को भी क्या याद रहेगा। ठीक है, हाँ तो बच्चे देखो अपना अपना डेटा और नेटवर्क और टाइम थोड़ा बचा के रखो क्लास के लिए। ठीक है, हाँ हाँ तो उसको यूज करो। हाँ क्योंकि देखो आने वाली अभी क्लासेस में मैं पीपीटी पीपीटी काफ़ी कवर करूंगा, तो वो चीज़ें फिर क्या अगर मिस हो जाएंगी तो मैं अलग अलग थोड़ी ना सबको एक ही क्लास देता घूमूंगा, भाई जो क्लास हो रही है उसमें रहोगे तो अभी तो पता चल पाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर कोई भी इशू आ रहा है तो मेरे को बताओ, सर ये चीज़ इशू आ रही है, सर टाइमिंग का इशू आ रहा है, सर मेरा डेटा नहीं है, तो जब बताओगे तो मैं सोचूंगा उसके बारे में कि कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, कैसे उस चीज़ को सॉल्व करा जाए। ठीक है, जो 3 बजे है ठीक है, अभी इसको चल रहा है तो डिस्कशन में ले लो, फिर 3 बजे कनेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम है अभी क्या कुछ काम आ गया? हाँ तो उसको कंटिन्यू करो क्लास में, रहो जब चल रही तो डिस्कस कर लो पूरी बात। ठीक है, तो सृष्टि हो क्लास में? हाँ तो कहने का मतलब है कि देखो मतलब कोई भी डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो कोई भी रेंडम वहाँ कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं हर चीज़ की मीनिंग है, वो क्लिप का भी मीनिंग है, वो जो फॉन्ट है उसका भी मीनिंग है, जो गुड में हमने येलो किया उसका भी मीनिंग है, लोगो जो फर्स्ट का है उसका भी मीनिंग है, तो सब चीज़ को कोशिश करो कि उसका मीनिंग इन्वॉल्व हो। ये फिर एक और एक्सपेरिमेंटल है कि मतलब फोटोशूट के थ्रू निकाला हुआ है, जहाँ पर कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं, ये तो मुझे उतना खास नहीं लग रहा क्योंकि लोगों को उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन डिज़ाइन नीड एक्सपेरिमेंट, जब तक उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो नहीं निकल कर आएगा। यहाँ पर भी जैसे ये जो बच्चा है थोड़ा और बड़ा हो सकता था तो और खिल के निकल कर आता, बाकी अलाइनमेंट देखो टेक्स्ट का कैसे किया है, सारा कुछ राइट अलाइंड है राइट साइड में, और तब की विजुअल को हम इजिली देख पा रहे हैं, देख अगर हम सब कुछ यहाँ लिख देते तो ना बच्चे को हम क्लियरली नहीं देख पाते, तो
और बैकग्राउंड देखो कितना प्यारा यूज़ करा है, बैकग्राउंड में जो थीम है या बच्चे की थीम से रिलेटेड तो वो पूरे इलस्ट्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो जो हेडिंग है, हेडिंग का कलर, फिर मेमोराइज फर्स्ट मूवमेंट विथ फर्स्ट क्राई, साफ साफ क्लियर समझ में आ रहा है कि याद करें अपने पुराने पलों को फर्स्ट क्राई के साथ, तो वो क्लैरिटी आ रही लैंग्वेज में। फिर उसके बाद में बॉडी कॉपी लिख दी, वहाँ पे उसके जो प्रोडक्ट आते हैं वो लगा दिए, और चॉइस ऑफ ए स्मार्ट मॉम, ठीक है, एक लाइन के थ्रू बता दिया कि मतलब उसकी। अब ये सारा कंटेंट है, ये कई तरह के ऐड में अरेंज हो सकता है, इसको तुम चाहे तो न्यूज़पेपर किसी भी 16-25 पे बना लो, हाफ शीट पे बना लो, इनफैक्ट पोस्टर पे भी इसको कंटेंट को डाल सकते हो। तो ये कंटेंट सोचना पड़ता है कई बार कि कैसे हमें क्या लिखना है। ठीक है, अब तुम देखो दोनों सीरीज के अगर ऐड को कंपेयर करें तो देखो ना सिमिलर है कि नहीं, ऊपर का ऐड और नीचे का ऐड, मतलब कलर चेंज हो रहा है बट कहीं ना कहीं अलाइनमेंट सेम है, लोगों का प्लेसमेंट सेम है, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट भी सेम है, बट विजुअल अलग अलग है और बैकग्राउंड में थोड़ा फर्क करा गया है, तो लग नहीं रहा है कि एक फैमिली के दो मेंबर हैं दोनों एड्स। हाँ, तो वही चीज़ है कि जब हम कैंपेन करते हैं ना तो कैंपेन में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो हम कहीं ना कहीं सिमिलर रखते हैं। अगेन ये पोस्टर ये बड़ा मुझे प्यारा लगता है, ये कॉन्सेप्ट कि जहाँ पर इसको हम बोलेंगे ना, ये इससे रिलेटेड है हमारा, ये जो होता है ना ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे इसमें मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिमिनेशन का ही है कि हम क्या होता है ना कि लोगों को जैसे मोमो का मतलब समझ में आ रहा है, जरा बताओ क्या समझ में आ रहा है पोस्टर, देखे तुम लोग कितना सोच पाते हो। हाँ, तो उनको हाँ, तो वो मैंने तुम्हें सबसे बताया हो, तो उसमें कहने का मतलब यही है कि हम क्या होता है ना, हम हमेशा जजमेंट कैसे करते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, और कई बार नहीं मैक्सिमम टाइम हम गलत होते हैं। ठीक है, तो या ये उनको बताया गया है कि देखो है तो इंडिया, अगर आप साउथ इंडिया में नहीं गए तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक, अगर आप उत्तराखंड नहीं गए तो वो किसकी प्रॉब्लम है, उत्तराखंड वाले बंदे की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो साला पार्ट है तो इंडिया का ही, तो हमें किसी को डिस्क्रिमिनेट या डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए उसकी कास्ट से, उसके मतलब कलर से, उसके लाइफस्टाइल से, मतलब भाई जो उसने बचपन से उसके पेरेंट्स ने, उसके स्कूल ने, उसके टीचरों ने बताया वही उसी हिसाब से वो लाइफ, तो कई बार लोग इस पे कमेंट करते हैं, इस पे बोलते हैं, तो उसके ऊपर है कि मतलब डोंट डिस्क्रिमिनेट। दिवाकर समझ में आ रहा तुम्हें, धीरेन्द्र कौन है ये, तो अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि दोनों जो एड हैं उनको एक सीरीज बनाने के लिए क्या किया है, दोनों को फोटोशूट किया गया है, दोनों बंदों को फोटो फोटो और उनका प्लेसमेंट भी देखो ये बिल्कुल पोर्टफोलियो की तरह फोटो शूट करा है, उसके सिर पे दोनों के अलग अलग हमने एक मतलब इसको बोलेंगे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया है। अब माथे पे कौन लिखता है, लेकिन है नहीं बोलते हमारे माथे पे नहीं लिखा हुआ, पागल नहीं लिखा हुआ, ऐसे कमेंट करते हैं कि ये क्या मेरे माथे पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो कई बार हम ऐसे करते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मतलब अपने पोस्टर को ज़्यादा इफेक्टिव दिखाने के लिए ये चीज़ करी गई है, ज़्यादा इफेक्टिव दिखाने। इस साइज में भी तुम एक्सपेरिमेंट कर सकती हो, ये जो न्यूज़पेपर में ऐड निकलता है ना, तो प्रेस ऐड, इसका मेजरमेंट देखना पड़ेगा एक बार, मेजर करके कितना इस साइज में किया है काफी काम। हाँ, तो ये मतलब है न्यूज़पेपर का साइज, जो आई थिंक पता नहीं कितने कॉलम में रहता है, एक बार मेजर करना पड़ेगा स्केल से, तो तो मतलब कई बार तुम साइज में भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हो, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो डिजाइन है ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज्यादा थोड़ा हटके लगता है, उसमें भी क्या होगा कि अगर इस साइज में बनाओगी तभी उसमें भी पूरी सीरीज बनेगी। ये तो प्रेस एड का हमारा साइज है, इसमें भी हम देखो ये कितना अच्छा इफेक्ट यूज करा गया है, तो कोई जैसे तुम अभी बना रही हो ना सृष्टि, टेक्स्ट के थ्रू विजुअल क्रिएट कर रही हो, तो वही होता है कि जो हमें अपने विजुअल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो देखो इसने टेक्स्ट टेक्स्ट को और इमेज को मर्ज किया हुआ है, तो मे बी
फोटोशॉप पे तुम इस सब कर सकती हो कि मतलब जो फोटोशॉप पे ऑप्शंस होते हैं कि तुम उसको मास्क करके, तुमने कोरल पे बनाया है वो जो तुम बना रही हो, तो तुम्हारे कितने हो गए उसमें सीरीज में? हाँ उसके तो उसमें दो दो अच्छा सृष्टि, अच्छा हाँ, तो उसमें देखो मतलब कभी भी जैसे कि डिज़ाइन बनाते हो तो ना बहुत ज़्यादा कलर मत यूज़ करो। एक तो अलाइनमेंट प्रॉपर रखो, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। और मतलब क्या होता है ना कि डिज़ाइन में हम सब चीज़ों को बोल्ड नहीं कर सकते, बोल्ड हम उसी को करते हैं, बोल्ड कहने का मतलब हम हर चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं, हाईलाइट उसी को करते हैं कि जिस चीज़ को हमें ऑडियंस को दिखाना होता है कि ये चीज़ पहले पढ़े हुए, तो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। और बाकी चीज़ें जैसे जैसे इसका एग्जांपल अगर ले लो, तुमने कई बार वो देखा होगा कि हम कहीं मॉल्स ये सब में जाते हैं तो वहाँ पर ना पोस्टर लगे होते हैं कि भाई लिवाइस में 80% सेल, 80+20%, ठीक है, या पैंटलून्स में सेल, बिग बाजार में 100% सेल, ऐसे रहते हैं ना। तो उसमें वो लोग परसेंटेज को कितना आया था हाईलाइट कर देते हैं कि अगर 50% दिखाया तो उसको काफ़ी बड़ा करके दिखा देते हैं, तो उससे हमें क्लियर रहता है कि हाँ ये हमारी जो, क्योंकि वो लोगों को वही बताना चाहते हैं, वही पढ़वाना चाहते हैं। थोड़ा टाइपोग्राफी पे एक्सपेरिमेंट किया, अगर जैसे डिस्क्रिमिनेशन लिखा है तो देखो उसमें डिस्क्रिमिनेशन और नेशन, मतलब जो क्रिएटिविटी, ऐसा नहीं है कि सब विजुअल में ही क्रिएटिविटी की, मतलब आपकी सोच में होती है क्रिएटिविटी कि आप कौन से टेक्स्ट में से कौन सी चीज़ को बाहर निकाल लो, कौन से लेटर को छोटा कर लो, कौन से लेटर को बड़ा कर लो। तो देखो कितनी प्यार से डिस्क्रिमिनेशन को चॉइस इज योर, तो डिस्क्रिमिनेशन में से ही नेशन निकाल दिया कि हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं बट हैं तो हम एक नेशन के ही, इंडिया तो एक कंट्री है उसके अंदर ही तो सब लोग हैं, तो उसके उसके थ्रू हम तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेक्स्ट पे एक्सपेरिमेंट भी करा जा सकता है अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, उसकी भी सीरीज बन जाएगी। एक ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला पोस्टर। अच्छा तुम देखो इसको 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 बताओ जी किस चीज़ से रिलेटेड है, देखें। इसका दिख रहा है ना सिस्टिंग, हाँ, तो इसमें ये किस चीज़ से रिलेट हो सकती है कैंपेन, या किस टॉपिक से? थोड़ा हिंट दे दो, ये सोशल में है अगर बात करूँ तो, सोशल जो कैंपेन होती है, कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं, समझाओ। धीरेन तुम्हें आ रहा है समझ में किस चीज़ से रिलेटेड, बताओ जरा। विजुलाइजेशन का सब्जेक्ट लिए हो तो विजुलाइजेशन मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि जब तक आइडियाज में नहीं दुनिया को मतलब बताओ कि हाँ हम कितना खतरनाक सोचते हैं तो फिर किस बात का विजुलाइजेशन है? हाँ अच्छा, नहीं, डिज़ाइन मैं कह रहा हूँ टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है सोशल, अगर मैं सोशल टॉपिक की बात करूँ तो मैं किस चीज़ से रिलेटेड लग रहा है? सृष्टि ने सही थोड़ा टच करा लेकिन सृष्टि पहुँच नहीं पा रही है वहाँ तक जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। सृष्टि तुम्हें पर लगा कुछ आइडिया? नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं, ये टॉपिक तुम्हारा रिलेट करेगा। फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ का नाम सुना है? सुना क्या है, वो तो आज चल ही रहा है, मतलब हमें जो मीडिया बता रही है तो कितना उसमें सच्चाई है उसकी क्लैरिटी कई बार नहीं होती है, कि मतलब मीडिया को भी कई बार नहीं पता होता। तो फेक न्यूज़ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है तुम्हारे सोशल कैंपेन का, जहाँ पर मतलब वो विजुअल के थ्रू बता रहे हैं कि मतलब थी वो रस्सी, हमने उसको सांप बना के मोबाइल के अंदर पेश कर दिया, आया समझ में, सेलफोन के अंदर दिखाया। और देखो सारा वो एडिटिंग का काम है, रस्सी अलग है, सांप अलग है, फोन अलग है, बट वो
उसको फोटोशॉप में कैसे मर्जिंग करके दिखाया है, तो काफी अच्छा कैंपेन है ये। तो इनको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, कि मतलब दूसरा आदमी जब तक ये देखे यार ये किया गया है, ये कैसे किया गया है, तो दिमाग लगा रहा है कि बच्चा इतना मतलब यहाँ इस पॉइंट तक क्या बताना चाहता है। तो जब तक कोई देखेगा तभी तो उस पर इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो डू नॉट टेस्ट ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी, तो डोंट फूल बाई फेक इमेजेस, मतलब उसी के बारे में एक्सप्लेन करा गया बॉडी कॉपी में। बाकी वही चीज़ें होती हैं लोगो और तुम्हारी जो सोशल मीडिया के आइकन, इसको देखो एक जगह और दूसरा विजुअल। अब देखो ये चीज़ की सीरीज कितनी प्यारी है, ऊपर का ऐड देखो नीचे का ऐड देखो, सेम कॉम्पोजिशन सेम फॉन्ट, मतलब वॉल्यूम भी सेम है। वॉल्यूम मतलब होता है कि जैसे आप अगर एक हमने सांप लिया है और एक जगह पर वो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा कीड़ा है ये बिच्छू, हाँ बिच्छू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम हाथी ले लेते हैं तो वॉल्यूम बिगड़ जाता ना सांप और हाथी का, हाथी इतना करेक्टर में बड़ा लगता है और बिच्छू इतना छोटा लगता है या सांप, तो वॉल्यूम को भी मेंटेन करना पड़ता है। यही तो इसी बात की तो एजेंसीज एजेंसीज डिजाइनर को किस बात का पैसा पे करती है, इसी बात का पैसा करती है कि ये काम कोई और नहीं कर सकता। विजुअलाइजेशन इतना ईजी नहीं है कि कोई और ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर उसको तो इंटरेस्टिंग तरीके से लोग, तो मुझे तो लगता है हाँ वो ईजी है, वो हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम प्रेजेंट करना, फिर दोनों को एडिट करना, फिर एक इम्पैक्ट दिखाना, ठीक है। तो वही दिखाया है कि न्यूज़ में क्या होता है, आप तुम इसको जूम करके देखोगे तो कोई भी देखेगा तो यहाँ पर वहाँ पर रियल बिच्छू है यहाँ यूज़ करा, उसके बाद यहाँ पर कुछ पत्थर के टुकड़ों को डाल दिया है, शायद आई थिंक स्टोन है। हाँ तो मतलब स्टोन डाल दिए हैं और फोटो में मर्ज कितने अच्छे से किया कि वो पता नहीं चल रहा क्या असली क्या निकली। ठीक है समझ में आई ये चीज। और बहुत सारे देखो बहुत सारे इलस्ट्रेशन स्टाइल हो सकते हैं, जैसे डिजाइन करने का मतलब ऐसे नहीं, जैसे देखो कितना बढ़िया तरीके से दिखाया गया, शेयरिंग फेक न्यूज इज इंजरियस फॉर पीपल लाइफ, मतलब लोगों के लिए घातक होता है, तो किसी इशू वही फेक न्यूज के ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ पर भी देखो तुम देखो कि इमेज का ट्रीटमेंट देखो, बैकग्राउंड में जो पेपर का एक होता है कि वैसा पेपर नहीं यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कि हम हाथों से उसको हमने दबा रखा है या फोल्ड कर दिया, वैसे करके रैप कर दिया, ठीक है। और पेपर का इफेक्ट कि मतलब बेसिकली हमारा जो काम रहता है कि भाई हम डिजाइनिंग तो बना रहे, तो जनरली एडवर्टाइजिंग अगर हम पढ़ रहे हैं और हम टीवी के लिए या न्यूज़पेपर के लिए ऐड बना, तो उस मतलब कॉन्सेप्चुअल होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट उसके अंदर होना चाहिए। और फिर अगेन उसी की सीरीज कलर का कॉम्पोजिशन कैसे ब्राउन और रेड को, और बार बार, और यहाँ पर देखो एक ही लाइन को रिपीट कर दिया है, तो विजुअल चेंज करा है तो वहाँ पर एक लाइन को भी रिपीट कर सकते हो। कलर कॉम्पोजिशन कैसे यूज़ करा है, दो कलर्स में ही पूरी पूरी बात कही है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ये सब पोस्टर क्रिएट करने की कोशिश करी है, वही मतलब एक बात को तुम कितनी तरीके से, मतलब इतने पोस्टर्स में तुम दिखाया तो बात एक ही चल रही है, कि जो पिछला तुमने दिखाया वहाँ पर भी बात वही चल रही है कि मतलब उसी उसी बात को आर्टिस्ट कितने तरीके से कह रहा है, वही बात है। उसने इलस्ट्रेशन के तरीके से कही, वही तुम्हें कंसेप्ट के तरीके से कही, उसको फिर आगे टाइपोग्राफी की तरह यूज़ करी। तो यही होता है कि एक जो हमारा आइडिया है उसको हम कैसे अलग अलग तरीकों से अपने कॉन्सेप्ट में दिखा पा रहे हैं। ये देखो ट्रीटमेंट टाइपोग्राफी के साथ, तो थोड़ा सा इस टाइप से काम लेके आओ जहाँ पर कुछ तुम्हें जो वर्क लगे ठीक, तो उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और बाकी अगर कुछ लगे कि नहीं सर मुझे ऐसा करना है या कुछ इस तरह का ट्राई करना है, तो मेरे को बताओ, मैं बताऊंगा ये तरीके कैसे होते हैं, टाइपोग्राफी कैसे यूज़ करनी है, या वो कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। तो देखो जैसे फॉन्ट, पहले तो फॉन्ट का सिलेक्शन देखो कैसे करा है, ये शायद उसके ऊपर है, ये बता सकते हो किस चीज़ से रिलेटेड है। किस चीज का बताया, बियर्ड का, हाँ उसी का है, बियर्ड ऑयल। ये तुम्हारा शायद बियर्ड ऑयल जो ये ब्रांड है उसका नाम है मैन कंपनी, मैन कंपनी, तो आई थिंक
बनाई है, तो उसमें वही दिखाया है कि मतलब जैसे लड़कियों के लिए अलग अलग ऑयल, शैम्पू, क्रीम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं, तो आजकल ऐसा हो गया कि मेंस के लिए भी बहुत सारे मार्केट में अब प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो अब वो प्रोडक्ट कैसे कैसे सेल कैसे होंगे, जब तक उनके क्रिएटिव ऐड नहीं बनेंगे, उनको मीडिया पे दिखाया नहीं जाएगा, लोग उनके बारे में जानेंगे नहीं, तो कैसे उनका सेल आउट होंगे। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर ऐड में हम कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी देखो, मैं जैसे मैंने बताया कि अब उनको अपने टाइपोग्राफी को हाईलाइट करना है, तो बहुत ज़्यादा कलर से कन्फ्यूजन की जगह उन्होंने ग्रीन और ब्लैक कलर यूज़ करा है। तो अपना जो डू यू बिलीव लिख दिया, शेविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विल हेल्प हेयर ग्रोथ, ठीक है। तो जो भी अपना कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश करिए कि वो शेव के ऊपर है, तो कौन सा हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें, और बाद में देखो प्रोडक्ट का प्लेसमेंट देखो कितने प्यार से करा है, और उसकी शेडो देखो सो क्लासी लग रहा है कि एक मतलब एक एक ग्लासी सरफेस पे वो रखा हुआ है। दैट्स दिस अ परफेक्ट टाइप ऑफ शेडो आई से, ठीक है, कि परफेक्टली शेडो को दिखाया हो। एक हम शेडो बनाते हैं कोरल ड्रॉ पे, देखो वो कितना अजीब लगता है, सृष्टि लगता है कि नहीं लगता है, सृष्टि चली गई। तो ये हाँ, तो मैं कह रहा मतलब है कि जब हम शेडो बनाते हैं, और यहाँ पर जो शेडो बनी है ये भी पोस्टर है, वो भी पोस्टर है, प्रोडक्ट कितना क्लियर है, मतलब कभी भी कोई जैसे जब कोई भी जब तुम हो सकता है इंटरनेट से ही अगर कोई तुम प्रोडक्ट ले रहे हो या कुछ ले रहे हो, तो हमेशा उसकी ना इमेज हाई हाई डाउनलोड करो, मतलब उसको जब इमेज सर्च करते हो तो 300 रेजोल्यूशन पे सर्च करो, डाउनलोड करो, एक फोल्डर में सेव करो, प्रॉपर जाके फोटोशॉप पे कटिंग करो, कि मतलब कोई भी तुम गलती ना निकाल पाओगे बैकग्राउंड में क्या गलती है, इतना वो क्लासी बना, ठीक है। और ये देखो ये फोटोशॉप पे तो मतलब कोरल पे तो देखो उतना क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक तुम सॉफ्टवेयर स्विच नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी कि नए नए फॉन्ट कैसे आएंगे, नए नए तरीके के फॉन्ट कैसे यूज़ करते हैं, इमेज इमेज की एडिटिंग के तरीके हो गए, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, शेडो शेडो में भी फ़र्क होता है, जो कोरल में शेडो डालते हैं थोड़ी डार्क आती है, और तरीके अलग अलग हैं इन डिज़ाइन में अगर तुम जाओगी, तो थोड़ा इन डिज़ाइन देखो कोशिश करो, अगर हो सकता है तो, नहीं होगा तो फिर मैं ऑनलाइन यहाँ पे यहीं पे क्लास तुम्हें दूंगा, इलस्ट्रेटर के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना, ठीक रहेगा सृष्टि? हाँ तो क्लास, हाँ, तो मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर लूँगा, तो यहीं पे तुम्हें एक आधे पोस्टर या एक आधे टॉपिक पे डिज़ाइन करके कैसे तुम अरेंज करना है, कैसे शेडो डालना है, कैसे अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करने हैं, तो वो चीज़ भी तुम्हें काम आएगी। अब देखो इसको कितने प्यारे से वॉल्यूम, तीनों के कल देखो, तीनों एक सीरीज के ऐड हैं, परफेक्ट कैंपेन, ठीक है, कि मतलब तीनों ऐड देखो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज यूज़ करी है, तो तीनों में ब्लैक एंड व्हाइट यूज़ करी है, अलग अलग अपने प्रोडक्ट को दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, फॉन्ट का अलाइनमेंट सेम है, ठीक है, टेक्स्ट को अलग तरीके से लिखा है, टेक्स्ट को कलरफुल लिखा है, ग्रीन पिंक और ऑरेंज कलर यूज़ करा है, तो किसी को ऐड करके जूम करके देखोगी तो कहीं पे भी तुम्हें कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम नहीं होगी, अलग अलग प्रोडक्ट को दिखाया गया है सब जगह। तो ये ऐसे उसके ऊपर बनाया है कि मतलब जैसे कई बार हम हमारे मिथ्स के ऊपर है, ठीक है। अगेन तीसरे तीसरे पोस्टर में भी तुम देखोगी तो यहाँ पर भी उसी चीज़ का ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो एक नयापन सा दिख रहा है, अब देखो ये फैब्रिक क्यों लेके, अच्छा अगेन कैंपेन का देखो, कैंपेन का ही है कि मतलब एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, तो ये मेन कंपनी का है जो प्रोडक्ट है उसी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी तुम देखो उसको अलग तरीके से बताया गया, ऊपर वाला एड बिल्कुल अलग है जहाँ पर एक बड़े पोर्ट्रेट को लेके पूरा बकायदा बात करेगी, यहाँ पर थोड़ा सा उसको सूदिंग रखा गया है, गोइंग फॉर इंटरव्यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस विद फ्रेश लुक, तो बात समझ में आ गई कि इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो कैसे अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा है कि फॉन्ट जो हेडिंग है वो थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी या थोड़ी बड़ी हो सकती थी, और बाकी लेकिन आई एम हैप्पी विद दिस कि ये जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी क्लियर लग रहा है कि बूस्ट योर कॉन्फिडेंस विद फ्रेश लुक। और बाकी उसी की बॉडी कॉपी और जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट अगेन यहाँ पर दिस इज़ कॉल्ड शेडो, शेडो अरेंज करनी है तो उसको
कैसे उसकी ऑपेसिटी कितनी रखनी है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखनी है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जो भी इमेज अगर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की ले रही हूँ तो इमेज काफ़ी बड़ी लो कि हम कितने भी साइज़ में उसको अगर हम जूम करें तो वो हमारा डिस्टर्ब ना हो। और अलाइनमेंट देखो कितना प्यारा है, दोनों लोगो और प्रोडक्ट का अलाइनमेंट प्रॉपर आ रहा है, दोनों लेफ्ट से भी अलाइनमेंट है, ये देखो टेक्स्ट प्रॉपर अलाइन्ड है और बाकी विजुअल तो दिखाई दिए। अब सेम उसी सीरीज का दूसरा ऐड जिसको हम बार बार, मैं वॉल्यूम पे बात कर रहा हूँ कि वॉल्यूम बहुत मेंटेन करता है, मैटर करता है। अगर मैंने वहाँ पे स्टैंडिंग ह्यूमन लिया है तो सारे एड्स में मैं उसी वॉल्यूम को लेके चल रहा हूँ कि वो लड़का भाई थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर दिया, इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी वॉल्यूम की प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा छोटा हो गया और इसको हम बड़ा कर सकते हैं। गेटिंग फॉर एक में ऑफिस को दिखा दिया, एक में दिखे गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज, तो कॉलेज लुक के बारे में बात कर दी। तो फिक्स योर हेयर विद द स्टाइल ऑफ हेयर स्टाइल, स्टाइलिश हेयर स्टाइल। तो इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट जो शायद हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट आता है, जेल आता है, उसको लेके बात करिए तो कैसे आपने आपको मैनेज किया। अगेन प्रॉपर सिमेट्रिकल यूज़ कर रहा है, सारी चीज़ें अपनी जगह फिक्स हैं, कुछ भी ऐसे इधर उधर नहीं पड़ा हुआ। और फिर देखो कैंपेन में वही चीज़ आ गई ना, सीरीज चल रही है बार बार। वो उसने पहले ऑफिस लुक की बात करी, फिर कॉलेज लुक की बात की, फिर पार्टी की बात करी, गोइंग फॉर पार्टी, फिर अगेन एक मेल व्यूमन ले लिया है, मेल व्यूमन ले लिया, फिर उसको थोड़ा सा उछल एक्साइटेड दिखा दिया, ठीक है, मेक योर प्रेजेंस विद। अब वहाँ पर उसने पार्टी के लिए जो तीसरा प्रोडक्ट यूज़ करा है वो शायद आई थिंक ये परफ्यूम, जो परफ्यूम होता है उसको दिखाया है, परफ्यूम यूज़ करा है यहाँ पर। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा अगेन फिर कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है, वही हेयर का बियर्डो ऑयल, बट तीनों तरीके अलग अलग हैं। वो तरीका अलग था, ये तरीका यहाँ पर दिखाया है। जो लोग आजकल ट्रेंडी बियर्ड को रखते हैं, बहुत बियर्ड, अब बियर्ड रखना या बड़े बाल रखना फॉर स्पेशली फॉर मेंस, वो मेंटेनेंस मांगते हैं, ठीक है, कि मतलब आपको अपने बियर्ड को मेंटेन करना है, उसमें प्रॉपर हेयरिंग करना है, ऑयलिंग करना है, तो कैसे आप अपने लुक को मेंटेन करो उसके ऊपर फिर उन्होंने प्रोडक्ट को दिखाया। तो अगेन एक बोल्ड मेल इमेज यूज़ करिए, ठीक है, और फिर उसके अपने जो, अब देखो यहाँ पर एक अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट कितने प्यार से करा है कि व्हाट इज योर स्टाइल, वही बात करें कि तुम्हारी अपनी यूनिक स्टाइल क्या है, तो जो तुम्हारी स्टाइल है उसके लिए इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके बारे में पूरा बताया है। कलर कॉम्बिनेशन अगेन बात करूंगा, बहुत ही सूदिंग कलर है, ब्लैक वाइट यूज करा है, ब्लैक वाइट तो हमारे न्यूट्रल कलर होते हैं, हाईलाइट करने के लिए रेड रखते हैं। अगेन फॉन्ट, फॉन्ट की साइजिंग की अगर मैं बात करूँ तो हर फॉन्ट एक का साइज इम्पॉर्टेंस पे मैटर करता है, जैसे बियर्ड के बारे में तो बियर्ड को काफ़ी बड़ा कर दिया है, इट्स अ नाउ अ ट्रेंड, इट्स अ लाइफ स्टाइल। तो वही बताया कि आजकल जैसे स्पेशली फॉर मेल्स कि बियर्ड रखना एक ट्रेंडी और एक ट्रेंड और लाइफ स्टाइल में आ गया। आज कोई हर कोई चाह रहा है कि मैं बड़ी बियर्ड रखूँ, हेयर्स रखूँ, बट उसको मेंटेन कैसे करोगे विथ देयर प्रोडक्ट्स, पता नहीं मेरी तो नहीं है उतनी बड़ी लेकिन मे भी लोग करते हैं। अगेन मॉडल, एक मॉडल के प्रपोर्शन में दूसरा मॉडल, वॉल्यूम, फिर से बात आएगी वॉल्यूम की, तो पहले प्रोडक्ट में देखो, दूसरे प्रोडक्ट में देखो वॉल्यूम मेंटेन करा गया, अगेन तीसरे प्रोडक्ट में भी, बाप बाप रे बाप, इन्होंने ग्रोथ को दिखाया है, थोड़ा सा फनी लग रहा है ये। हेलो, तो अब ये जैसे ये जो बाल रियल फोटो नहीं है, ये फोटोशॉप करी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। अगर भाई अगर आप कोई हेयर ऑयल बना रही हो तो लोगों को जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाओगे तो लोग कैसे इंटरेस्ट लेंगे तुम्हारे डिज़ाइन में। ये जब अगर हेयर ऑयल दिखा रहे हैं, जैसे तुम टीवी पे कई कमर्शियल आते हैं जहाँ पे देखो अलग अलग शैम्पूज और क्रीम का या डव का देख लो, इतने ऐड आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाते हैं कि भाई दूध जैसा गोरापन पा रहे हैं, बट असली में ऐसा होता है नहीं होता है। तो लोग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कई बार थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाते हैं ताकि प्रोडक्ट की तरफ लोगों का इंटरेस्ट आए। तीनों में देखो परफेक्ट मेल यूज़ करेंगे कि बियर्ड ऑयल है तो कहीं ना कहीं फीमेल का कोई काम ही नहीं है, तो मेल को दिखा के, और कितने सूदिंग बैकग्राउंड कलर देखो, कितने प्यारे हैं, देख सकती हो, भड़कीले कलर नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब वार्म कलर नहीं यूज़ करेंगे, रेड बैकग्राउंड के लिए, मतलब इनको हम बोलेंगे टिंट्स, टिंट और शेड, पता है क्या होता है टिंट और शेड, धीरेंद्र बताओ जरा, एमएफए आ गए हो तुम, पास करने वाले हो जल्दी, टिंट और शेड में क्या फर्क हो?
टेंट टेंट बता रहे नहीं तुम, नहीं नहीं तुम बता किसका रहे हो, टेंट का कि शेड का? शेड का, शेड मतलब छाया को दिखा रहे हैं। सृष्टि तुम ट्राई करो, टेंट और शेड में क्या फर्क होता है, बहुत ही बेसिक बीएफए का क्वेश्चन है। टेंट में तुम बताओ ना, मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता इसका। मैं तुम लाइट कलर यूज कर जाते, चलो कोई नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो टेंट और शेड, अब ये टर्मिनोलॉजी ये कभी भी तुमसे, देखो आप एमएफए करने वाले हो या कर चुके हो तो, हाँ डाक, जैसे जैसे टिंट और शेड का मैं सीधा बताता हूँ कि जैसे अगर तुम रेड कलर को मान लो, बीच में रख लो ठीक है, तो रेड में अगर हम ब्लैक मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? मरून बनेगा। तो वो कलर क्या हुआ, टिंट हुआ कि शेड हुआ? शेड हुआ। हाँ बस वही, कि जब हम किसी कलर के साथ डार्क कलर ऐड करते हैं या ब्लैक ऐड कर देते हैं तो वो उसका बन जाता है शेड। कि जैसे जैसे अलग अलग लेवल पे तुम उसमें मरून ऐड करोगे तो उसके अलग अलग शेड क्रिएट हो जाएंगे ठीक है। और जब हम उसमें रेड में वाइट मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? पिंक बनेगा। वेरी गुड, समझ गई ना? हाँ, शेड। हाँ, तो ये तो नॉर्मल हम यूज करते हैं, जैसे हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं या किसी कोई खरीदे तो हम नहीं कहते भैया इस कलर के और शेड दिखा दो या इसके और हमें ऑप्शन दिखा दो। तो मतलब वही होता है कि टिंट मतलब ओके लाइट कलर के शेड्स, उसमें व्हाइट मिक्स किया गया है, और मरून की अगर हम बात करें जैसे डार्क कलर, तो वो हो जाएगा उसका शेड। तो कहने का मतलब है कि कभी भी ना अच्छे डिजाइनर जो होते हैं कभी भी ना मेन कलर नहीं यूज करते हैं, ना वो प्राइमरी कलर कभी नहीं यूज करते, सेकेंडरी कलर भी नहीं यूज, कम यूज करते हैं, वो टर्शरी कलर यूज करते हैं। टर्शरी मतलब जो दो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी के कॉम्बिनेशन से बनता है ठीक है। तो उसमें क्या है, ये तो नॉर्मल, इसमें तुम्हें ऐसा बहुत एक्सपेरिमेंट करने की वो जरूरत है कि जब कलर सेलेक्ट कर रहे हो तो कलर कलर में बार बार इसलिए बता रहा हूँ, 80% वेटेज तुम्हारा डिजाइन में कलर का होता है, 80% कि अगर तुमने सही कलर यूज करें तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भले ना अच्छा हो, तुम्हारा डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा कि किस बैकग्राउंड पे क्या आना चाहिए ठीक है। तो ये समझ में आया? तो थोड़ा सा शेड्स को थोड़ा यूज करके इस बार जब आप काम करोगे तो थोड़ा सा कोशिश करो इन चीज़ों को लेकर आओ काम में ठीक है। ये तो थोड़े से फिर मैनुअल काम है, तो फिर मत देखा जाए, देखो मैनुअल। बाकी लोगो, हाँ लोगो का डेवलपमेंट दिखाया कि अगर कोई लोगो बनाना है तो देखो कितने सारे ऑप्शन क्रिएट करें, उसको अलग अलग तरीके से कलर में डाल के ट्राई किया है ठीक है। तो अलग इफेक्ट बनाया, डी के साथ अलग बनाया, या फिर देखो कितने सारे ऑप्शन ट्राई करें। ये एक अच्छा लोगो बनाने में टाइम लगता है, उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद तभी निकलता है, और बाद में जब देखना फाइनल जब उन्होंने अपने पैकेजिंग पे डाला है फिर। ये देखो किसी भी जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट का एक मतलब स्टिकर टाइप का है ये, तुम स्टिकर जैसे नहीं होता है जो अलग अलग शैम्पू की बॉटल पे या किसी भी शैम्पू किसी भी थैली पे या साबुन है तो उनके स्टिकर्स नहीं होते हैं जो डिज़ाइन करे जाते, तो उसमें हाँ। तो ये जैसे शैम्पू कोई बॉटल का है तो ये नेचुरल प्रोडक्ट, तो कितने उसको अरेंज करा गया, मतलब एक रेडी टू प्रिंट, इसको बस प्रिंट कराओ किसी पे भी डाल दोगी प्रोडक्ट पे, जो भी वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो वो अच्छा लगेगा। तो कैसे उसको मेंटेन करा गया, लोगों को हाईलाइट किया गया, नेचुरल प्रोडक्ट कैसे, उसके जो लीव्स लगाए गए हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन, और साइजिंग कितनी मैटर कर रही है, सिर्फ डिटॉक्स जो है वो हाईलाइट हो रहा है, बाकी चीज़ें उतना उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है ठीक है। तो इस टाइप से हम करते हैं और फिर उसके डिजाइन पे एक्सपेरिमेंट। सिंबल्स डिजाइन करे गए उसके, तो अच्छा डिजाइन करने के लिए ना तुम्हें कुछ डिजाइन को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो आई थिंक यही चीज़ें तुम्हें बतानी थी सब चीज़ें, तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कुछ डिज़ाइन को लेके टेस्ट समझ में आया होगा कैसी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ें कुछ कुछ वर्क मैं और बीच में तुम्हें दिखाऊंगा कुछ कुछ, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लगे कि डिज़ाइन के अंदर टेस्ट डालना है, थोड़ा सा उनके फॉन्ट्स को, साइजिंग को कैसे इंप्रूव करना है ठीक है। तो ये हम कमिंग सेमेस्टर में इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे ठीक है।
अभी तक जो बताया है उसमें कोई एक क्वेश्चन कोई चीज समझ में ना आई हो? सृष्टि कोई क्वेश्चन आया कुछ? हाँ तो थोड़ा अब इस लेवल का काम करोगे तब जाके मार्केट में कहीं जगह बना पाओगी, या तब मुझे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो। और मुझे पता है कि थोड़ी सी मेहनत करोगे मैं करवा दूंगा, ऐसा ऐसा काम कैसे करना है, या ऐसा क्या है ऐसे, ये ऐसा नहीं बहुत अच्छा है, तो थोड़ा अपने लेवल को बढ़ाओ। BFA से MFA में क्या फर्क आएगा? ठीक है, सृष्टि तो कर रही है मेहनत, सृष्टि को तो सर ने भी अप्रिशिएट किया था, एक्चुअली सर ने भी अप्रिशिएट किया था, तो भी मेहनती लड़की है। धीरेंद्र तुम थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट लो। हाँ तो नेटवर्क सिम चेंज करा लो ना सीधा, उसका लफड़ा ही खत्म करो। अगर नेटवर्क कर तो पोर्ट करवा लो, अगर जियो में नहीं आ रहा तो एयरटेल में पोर्टिंग करवा लो, या तो नया सिम ले लो हार्डली, तो कुछ उसका अरेंजमेंट, या तो किसी घर में किसी फैमिली मेंबर या किसी दोस्त के फोन से क्लास अटेंड कर लो। अगर मैं लिंक भेज रहा हूँ तुम्हारे फोन में प्रॉब्लम है तो अपना अगर रूममेट है या जहाँ पे भी हो, सिस्टर ब्रदर जो भी है उसके फोन में लिंक आ जाएगा, वहाँ से खोल लो, फॉरवर्ड कर लो और ले लो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा अभी आगे। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं क्लास में। ठीक है, और हाँ सृष्टि तुम डिस्कनेक्ट कर दो अपना, दो नहीं बनाने एक ही बनानी है, दो क्यों बनाओगे? अब तुम्हारे पास डिपेंड करता है, देखो अगर आप हिस्ट्री के टॉपिक पे किसी हिस्ट्री के टॉपिक पे कर रहे हो, किसी आर्टिस्ट के बारे में करना चाहते हो तो उस पर भी कर सकते हो आप, उसके बारे में राजकुमार सर तुम्हें गाइड, हाँ तो उस पर कर रहे हो तो मुझे टॉपिक एटलीस्ट लिखवा देना, तो मैं एक बार मेंटेन वो लिख लूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज देना किस टॉपिक पर कर रहे हो, बाकी राजकुमार सर तो गाइड कर देंगे तुम्हें उस पर क्या कर रहे हो हिस्ट्री के टॉपिक। क्या टॉपिक है वैसे बता दो, मुझे भी बता दो क्या टॉपिक पे कर रहे हो किस पर। हाँ अच्छा है कर लो, सौंदर्य शास्त्र को कोई नहीं कर रहा है। हाँ हाँ तो कर लो फिर उसी पे कर लो फिर, तुम्हें इसमें इसमें तो एक ही डेजर्टेशन होगी फिर, उसमें परेशान ना हो, और तो सर से गाइडेंस मिल ही रहा होगा तो उसके हिसाब से कर लो, फिर भी कोई दिक्कत आती तो मुझे बता देना अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही चैप्टराइजेशन में कुछ में। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब टॉपिक के अंदर जो कंटेंट रहेगा वो सर ही तुम्हें बताएंगे या तुम सर से मिलकर बात करना, बाकी फॉर्मेटिंग में है वहाँ मैं थोड़ी सी बता सकता हूँ कि फॉर्मेट में। हाँ तो ठीक है फिर उसको कंटिन्यू करो और क्लास में रेगुलर रहो ताकि तुम्हारा जो फाइनल सेमेस्टर में कुछ तो तुम उसमें कुछ सीखो नई चीज़ें। ठीक है, और कोई भी इश्यू आता है सर तो ओपन है, सर से बात करो कि सर इस चीज़ में इश्यू आ रहा है क्या चीज़ें। ठीक है, ठीक है चलो धीरेन्द्र फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।